Uh, dear students we are studying the course labor policy pakistan and uh, the topic is definition of constitution by barrister A.G. E. chaudhry question arises why we are studying definition of constitution dear students कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड और जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं उनको रेगुलेट करने वाली जो सुप्रीम लॉ है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का समझना इसलिए जरूरी है कि कोई किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता हो जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन तो उसके जो राइट्स हैं वो स्टेम होने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से उसको जो रेगुलेट करना है जो इंस्टीट्यूशनस हैं वो स्टेम होने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से देरफोर लेबर पॉलिसी जो है इसका बहुत सारा जो ताल्लुक़ है वो फंडामेंटल राइट्स से है और जो लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं इसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है इसमें प्रोविंशियल असम्बलीज इन्वॉल्व होती हैं और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये सारे जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं तो लेबर पॉलिसी भी जो है ये भी बहुत गहरा ताल्लुक रखती है कॉन्स्टिट्यूशन से देर जो लोग भी लेबर पॉलिसी का कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम डेफिनेशन जो बैरिस्टर एजी चौधरी ने दी है उसको डिस्कस करें जरा कुछ जानते हैं बैरिस्टर ए जी चौधरी कौन है बैरिस्टर ए जी चौधरी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेक्चर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बैरिस्टर साहब बहुत बड़े रिसर्चर स्कॉलर और फिलासफर रहे हैं और इनकी रिसर्च ओरिएंटेड बुक जो है ये बहुत पॉपुलर है और ये एलएलएम प्रोग्राम्स में पढ़ाई जाती है बैरिस्टर साहब लीड्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और बहुत आला पाए के रिसर्चर और फिलोसोफर हैं उनकी जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये बड़ी मोतबर डेफिनेशन कंसीडर की जाती है आइए इसको देखते हैं अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट ये डॉक्यूमेंट है बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट है नेचुरली है इसमें अल्फाज होंगे इसमें प्रिंसिपल्स किए होंगे इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होंगे और इसमें इस तरह का और बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट जो है वो अवेलेबल होगा ये एक स्पेशल लीगल डॉक्यूमेंट है और इसकी सेंटिटी है इसमें इन्फोर्समेंट है और इन्फोर्समेंट कैसे है इस तरह से है कि ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है लैंड है और इसको हम सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं। और इसके पीछे विल ऑफ पीपल है देर फोर इसमें लीगल सेंटिटी है और जो कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसे इसको मानना है इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गन ऑफ स्टेट के मुतलक भी बताया जाता है ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या हैं लेजिलेचर एग्जैक्टिव जुडिशरी भी अपनी जो सारी पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं लेजिसलेचर का, का काम कानून बनाना है एग्जैक्टिव का, का काम उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है और जुडिशरी का काम ये है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर जुडिशरी उसके ऊपर एड जुडिकेट अपॉन करती है फैसला करती है और जुडिशरी को कहा जाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन की मुहाफिज भी है डियर स्टूडेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड द फंडामेंटल लॉ फ्रॉम विच ऑल पब्लिक अथॉरिटीज डिराइव देअर पावर ऑल लॉज देअर वैलिडिटी एंड ऑल सब्जेक्ट देयर राइट्स इसमें यह जो बात की जा रही है ऑल लॉज देयर वैलिडिटी एंड ऑल सब्जेक्ट्स देयर राइट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सब्जेक्ट्स जो है यहां पर क्या मानी रखता है यहां पर सब्जेक्ट से मुराद सिटीजनस हैं और एक सिटीजन विदाउट राइट हो ये बात कुछ समझ नहीं आती जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ बुनियादी हकूक सिटीजन को देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं और आप अपने बुनियादी हकूक कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स के मुतलक आपके बता दूं कि ये राइट्स गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकती ये राइट्स बाय ऑल मीनस अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं और ये कहाँ से स्टेम हो रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेम हो रहे हैं ये जो आपके सामने स्लाइड है इसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनके मानी दिए गए हुए हैं जैसे डॉक्यूमेंट है लीगल सेंटिटी है फ्रेमवर्क है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ये इसलिए दिए हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इनके खास लीगल मायने होते हैं तो अगर कहीं लॉ से रिलेटेड कोई टर्म आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी आपने खोलनी है और फिर उसके बाद कोई और सोर्स उस लफ्ज के मानी समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा है यहां पर आपके सामने एक टर्मिनोलॉजी आ रही है पब्लिक अथॉरिटी यह बड़ा जरूरी है समझना कि पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली गवर्नमेंट को रेफर कर रही है ये बात तो गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ उसे पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं तो ये सारी जो अथॉरिटीज जो हैं जो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है और इनका इस्तेमाल करती है तो ये सारी भी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेम होती हैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक